अनीश कुमार रिंकू सच दिखाने की जज्बा के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सच की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि समय के साथ आप तक हमारी खबरें पहुंच सके। आइए खबरों पर डालते हैं एक नज़र। पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर 34 लाख की ठगी करने के मामले में दो गिरफ्तार। गिरफ्तार युवक को अपने साथ ले गई लखनऊ पुलिस। सोमवार को पकरीबाव पुलिस ने थाना क्षेत्र के थालपोस गांव से दो साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। उपरोक्त तथ्य की जानकारी प्रदान करते हुए थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मोहनलालगंज थाना में साइबर अपराध को लेकर 317/22 के तहत धारा 406, 419, 420, 467, 468, 471 एवं 420 IPC तथा 66 DIT एक्ट दर्ज था, जिसमें थालपोस के शिवालक यादव के पुत्र किशु कुमार एवं उदय प्रसाद के पुत्र सिंटू कुमार के द्वारा एक युवक से फेसबुक पर पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर कुल 34 लाख रुपए की ठगी की गई थी, जिसे लेकर लखनऊ पुलिस पकरीबाराव पहुंची थी, जिसे पकरीबाराव पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अभी बताया कि गिरफ्तार युवक को कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद लखनऊ पुलिस अपने साथ ले गई है।